अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रिज़वान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिज़वान शाह व्लॉग्स। नाज़रीन, आज मैं आया हूँ अंदरून अंकारा सिटी में। अंदरून अंकारा सिटी का मतलब ये है कि जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर में एक अंदरून लाहौर भी है और एक बैरून लाहौर है। अंदरून लाहौर का मतलब है कि जो अंदरून लाहौर का मतलब जनाब, जो अंदरून शहर के जो 8 दरवाजे हैं, 8 है पता नहीं 11 है कितने हैं, वो जो एरिया था उन 8 दरवाजों के अंदर जितना लाहौर था वो पुराना लाहौर माना जाता था, उसके बाहर लाहौर का कोई वजूद नहीं होता था। तो इसी तरह जनाब, ये जो अनकरा है, जो अनकरा का जो अंदरून अनकरा है, इसका जो पुराना अनकरा सिटी है, वो जनाब वो मैं उस सिटी में मौजूद, उस जगह पे मौजूद हूँ जो सबसे पुराना होता था। उस वक्त जब अनकरा होता था, आज से तकरीबन 80-100 साल पहले, तब सिर्फ ये जो एरिया है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ जनाब, सिर्फ इसी एरिया के अंदर जो अनकरा की आबादी होती थी, अनकरा की जो मार्केट बाजार वगैरह होता था, यहाँ से वो जगह है जनाब। कुछ पहाड़ है जहाँ पे आबादी होती थी, यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकते, नजर नहीं आएंगे क्योंकि इर्द गिर्द बिल्डिंग है। और यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं कि मेरे जो राउंड अबाउट में इतनी बिल्डिंग है, ये सारी की सारी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उस वक्त की ही 100-80 साल पुरानी, 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, जिसको जनाब आज का जो बना दिया गया है इस बाजार को, इसमें रेजिडेंसी नहीं है, इस बाजार को बना दिया गया जनाब फूड स्ट्रीट। जो अनकरा में जो देखने लायक जगह है, जो टूरिस्ट के लिए जनाब एक आप सब कह सकते हैं कि देखने लायक जगह वो है जनाब, सिर्फ और सिर्फ यही जगह है अनकरा में। और कोई जगह इस्तनबुल की तरह, आपको पता है इस्तनबुल एक तारीखी मरीद का शहर है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वो जनाब टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तारीखी मुकामात हैं बहुत सारे, वो वहाँ पे जनाब सी है, और उसके अलावा जनाब वहाँ पे एक हिस्ट्री है, वहाँ पे जनाब वो कुछ और बात है। लेकिन जो ये अनकरा है, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद की तरह का ही शहर है। जब ये कैपिटल बना था तो उस वक्त इसकी जनाब जो है ये तमीर की गई थी किसी की आर्टिफिशियल तरीके से, यहाँ पे आबादी इतनी है वो ऑर्गेनिक नहीं है। जब ये कैपिटल बना था तो दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, गांव देहात वगैरह से जो लोग हैं माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके आबाद हो चुके थे। यहाँ की जो लोकल आबादी है, अनकरा की जो खास जो क्रीम है, वो आज भी इसी इलाके में जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आज भी यहीं पे जनाब रहायश मजीद है, यहीं पे रहती है। और यहाँ पे जनाब जो है आज भी जो है अच्छी किस्म का जो बेहतरीन किस्म के रवायती खाने और मशरूबात वगैरह, चाय कॉफ़ी, और इसके अलावा जनाब यहाँ के जो है ना वो मैरिज सलून वगैरह, मैरिज हॉल वगैरह, वो यहीं के ज़्यादातर मशहूर है। ये इस तरह की मेरे आप इस साइड से आप मेरे बैक में देखेंगे, जितनी इमारतें हैं सारी सारी जनाब वेडिंग सलून हैं। मेरी अपनी जो मैं यहाँ पे इसलिए अक्सर आता रहता हूँ कि मेरी भी इस बाजार से, इस एरिया से जनाब बहुत ही खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मेरी भी जनाब इसी जगह पर जो है वो शादी की तकरीब हुई थी, शादी की तकरीब नहीं बल्कि मेहंदी की तकरीब हुई थी। जितनी भी इमारतें और घर हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, दिखने में बहुत ये कलरफुल नज़र आ रही हैं, और इनको कलरफुल जनाब बाकायदा किया गया है। है तो ये सारी जनाब मलकियत प्राइवेट आवाम की है, लेकिन इनकी जो रेनोवेशन है जनाब बाहर बाहर की, वो सारी गवर्नमेंट ने करके दी है। गवर्नमेंट ने इसको जनाब इसको असासा डिक्लेयर किया हुआ है कि ये हमारा जो है कदीम असासा है और इसकी हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसकी जो बाहर से ये रेनोवेशन है, ये खूबसूरती है सारी की सारी, इसका बेड़ा जो है इकट्ठे का गवर्नमेंट ने उठाया, हर साल साल में एक दफ़ा या दो साल में एक दो दफ़ा जो है इसकी रेनोवेशन गवर्नमेंट खुद करवाती है। इसका बाहर से सिर्फ बाहर का ही सिर्फ जिम्मा गवर्नमेंट ने उठाया हुआ है, इसकी खिड़कियाँ दरवाजों का जो कलर वगैरह सब कुछ ये इसका गवर्नमेंट करवाती है। ये जितना यहाँ पे आसपास का एरिया और बहुत बड़ा एरिया है, तो ये जनाब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट जनाब इसका कितना ख्याल रखती है अपनी ऐसी जगहों का, जो वो समझती है कि टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव है। मैं जब भी आता हूँ जनाब, मैं यहाँ पर आके बहुत इंजॉय करता हूँ, और यहाँ पर आके जनाब हम ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे जनाब पीते हैं कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह और स्नैक्स वगैरह खाते हैं, क्योंकि यहाँ का स्नैक्स और चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा जनाब जायकेदार भी है। लोग ज़्यादातर अगर किसी ने कॉफ़ी की नीयत हो इंजॉय करने की, चाय की नीयत हो इंजॉय करने की, स्नैक्स वगैरह खाने की इंजॉय करने की नीयत, वो यहीं पर आते हैं, यहीं पर आके जनाब वो इंजॉय करते हैं। Come vuole? Come? 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 धीरे धीरे यहाँ पे कॉफ़ी बनाई जा रही है, ये यहाँ की रवायती कॉफ़ी है, ट्रेडिशनल तो कॉफ़ी इसको कहते हैं, और इसका बनाने का तरीका देखें जनाब, ये जनाब पीतल के ये ऐसे ये मग से है, तो इसमें कॉफ़ी डाल के ऐसे रेत में इसको पकाया जाता है, तो मुझे बड़ी पसंद है, मुझे जब पीनी होती है तो जब मैं इस कॉफ़ी को मिस करता हूँ तो यहाँ मैं पीने के लिए ज़रूर आता हूँ। तो है भी एक्सपेंसिव, ये आपने देखा होगा एक मल्टीनेशनल कंपनी स्टारबक्स की कॉफ़ी से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉफ़ी है, और है बहुत मज़ेदार, जब बंदा एक कप पीता है तो दो और पीने को दिल करता है।
आज इसके साथ ही वीडियो को करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके और मेरा वीलॉग जो है इसको एंजॉय कर सके जनाब। अगले वीलॉग तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।